కేబుల్ క్యాన్సిలేషన్ నా కరెక్ట్ వద్ద సార్ లగ్స్ లగ్బల్ దూసర్ లైన్ రామ్ సార్ काटे ना तुमने कवर हटा दे साथ कवर हटा दे जितना मेरे उतना कवर हटा दो गोल करो इसी पर चाबो तो कवर आ जा राम देखिए केबल का इंसुलेशन हटा रहे हैं नाइफ से नाइफ से हटाने के बाद ये यहाँ पे लॉग लगाएंगे ये वाला लॉग है ना देखिए यहाँ पे लॉग लॉग बोलते हैं या लॉग लॉग या थिम्बल बोलते हैं केबल के लॉग का मोटा है तो केबल मोड़ कर और फिर उसमें लगाएंगे तार इसका बड़ा मोटा मोटा है हाँ केबल है ना थ्री थ्री फेस केबल है 25 mm है 25 mm का 25 उसमें भी क्रिपिंग टूल नहीं होने पे स्क्रू ड्राइवर हैमर से क्रिपिंग लॉकिंग कर रहे हैं टूल्स अवेलेबल नहीं होने पर काम किया जाता है खराब हो जाएगी ये काटा जा रहा है केबल को जो एक्स्ट्रा केबल काट के इलेक्ट्रिशियन नाइफ से इंसुलेशन हटाया जा रहा है एक तीसरे कोर है केबल का तीसरा भाग है इंसुलेशन हटाने के बाद इसके ऊपर लॉग या उसे थिम्बल वाले जाता है दोनों लगाए लगाया जाएगा कॉम्बिनेशन प्लायर से ये इसे टर्न ले रहा है वैसे मोड़ के इसके ऊपर थिम्बल लगाएंगे तो हमको भी 5 मिनट दे दीजिए ना ऐसे हैवी लॉकिंग के लिए ये हमर का और उसको डाल का प्रयोग कर रहे हैं आउटपुट पॉइंट कर रहा है साथ दूसरे में देखिए तीनों फेस और एक न्यूट्रल पॉइंट प्लस है देख सकते वीडियो कर रहा है किस तरह हो रहा है बात सही है कि नहीं सर हाँ ग्रुप पे डाल देंगे हेलो प्रणाम कहाँ है वो हम तो शिवानी हैं आप कहाँ रह रहे हैं आ गए तीनों पार्ट देख चेक कर रहे हैं देख नहीं डीजे हफ्ता है
सब इस तरह से घुमा घुमा के इसके ऊपर से बीच से दाएं बाएं से उसे किया जा रहा है कि इसके अंदर पानी ना जाए और इंसुलेशन विधि द्वारा प्रयोग न करें। और ट्रांसफार्मर के चार्ज हो जाने पर ये सारे आउटपुट लूप के लिए कसा जा रहा है। ऊपर से लिया जाएगा और इसका ये नेम प्लेट है, इसे आपको पता चल जाएगा, इसको पढ़ सकते हैं। सीढ़िया रहता है तो नज़दीक से आ जाता है। हाँ सीढ़ी होता है तो अस्पष्ट होता है लेकिन ऐसे भी पता चल जाता है। ये नेम प्लेट है, नेम प्लेट से आप पढ़ सकते हैं कि क्या इसमें किस तरह से है, कितना लोड का है, कितना वेट है। और सप्लाई नहीं चलेगा ना, रजिस्टर नहीं हुआ है। यहाँ पे इसके नेम प्लेट से आप इसे देख सकते हैं कि कितना इसका सारा चीज़ है, लोड है, कितना कितना कोर है, वाइंडिंग किस तरह की है, कनेक्शन कैसा है। अभी ये हमारा जो ट्रांसफार्मर चार्जिंग के लिए किया गया था और इसको चार्ज हो जाने के बाद हमें आउटपुट पॉइंट को कसा गया है, उसके बाद हमें सप्लाई चालू करने पर ये तीनों फेज का बल्ब जल रहे हैं तीनों। और इस ट्रांसफार्मर पे कभी भी हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए जो हमारे यहाँ मोहित जी हैं वो बताएंगे। बताइए मोहित जी। लाइटिंग सारी सब होना चाहिए, जोर से बोलिए। उसके बाद दस्ताना, बिना दस्ताना के इसको छेड़छाड़ नहीं करना है। सीमित लगा होता नहीं एलटी सप्लाई के लिए। हाँ इलेवन के लिए के तो कुछ करना ही नहीं है बिना शटडाउन का। हाँ शटडाउन होने के बाद ही उसको छेड़छाड़ किया जा सकता है। चलिए।